स्टूडेंट्स इथियोपिया माता की खिदमत में हाजिर आया। अज अस इंटीटेस के हवा से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 जो काफ़ी शुभ बुधाए छोड़ा उम्मीद है उनके ऐसी अगत थोड़ा सारा संपाठ कर सकूँ। चैप्टर नंबर 3 तमाम अहम चैप्टर है, इनमें काफ़ी सारी शुभ। चैप्टर नंबर 3 जो अस पेरों स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब का पे ही है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मकसद है अड़ी इक्वेशन जो हाईएस्ट पावर या जी डिग्री 2 हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैमा क्वाड्रेटिक फार्मूलो ड्राइव जो बराबर है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रेडिकल अपॉन 2a। प्लस माइनस है माना इनमें ब वैल्यू है, जहाँ प्लस वाली वैल्यू है वह अल्फा के बराबर होंगी, जहाँ माइनस वाली वैल्यू है वह बीटा के बराबर होंगी है। जडे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर अल्फा बीटा इन इक्वेशन का रूट्स है तो उनकी प्लस वाली वैल्यू अल्फा के बराबर थी, माइनस वाली वैल्यू बीटा के बराबर थी। ये शुरू असा इन चैप्टर में अगत काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर में कमी हुई। अचो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने जा टे बेसिक मेन फंक्शंस आए। सब का पेरों है फैक्टराइजेशन मेथड, उन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उन फॉर्मूला मेथड। पर असा के इन मतलब एम सी क्यूज सीखना है, तेरे करे एम सी क्यूज में जो तमाम घणो यूज थो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जैमें मिडिल टर्म ब्रेक कर जवाब आसानी से सॉल्व कर सकूँ था। नचो तो असा फैक्टराइजेशन मेथड के सॉल्व कर सीखूँ। डेयर स्टूडेंट ही है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे भी असा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल होंगी है तो अस उन फैक्टर कड़ा, फैक्टर के कड़ा उन मिडिल टर्म ब्रेक कहीं। अक्सर वो स्टूडेंट के तरफा एक गाल बुधी है तो सर मिडिल टर्म ब्रेक असा नो समझ में अचे कि क्यों इन जो कोई अड़ो तरीको बुधा जो आसान तरीको होसान खबर पड़ी सके कड़ा टर्म्स असा मिडिल टर्म थी सामू कड़ो करूँ इनमें ढी तकलीफ थी बार में। सो यो तुम समझने की पुट कोशिश कर मिडिल टर्म करें सब का पे फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनकी मल्टीप्लिकेशन से सजो डिपेंड करे तो हाँ तुम ऐसा तो फर्स्ट टर्म असो एक्स स्क्वायर है लास्ट टर्म असो सिक्स है अब थोड़ा इनके टाइम वह समझने का आसानी से इनमें प्रॉब्लम जल्द में जल्द कर सकूँ था। एक्स स्क्वायर के जैसे अस मल्टीप्लाई प्लस सिक्स से कराइंदी असा के जवाब मिल प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। हाँ ये वेरिएबल आने तुझे घट बो बाकी जो कोएफिशिएंट है वो मिलो है असा प्लस सिक्स प्लस जो जैसे जवाब मिले तो अस हाँ तवजह दींदी मिडिल टर्म से पुट हाँ मिडिल टर्म है माइनस साइन जो असा के जो मल्टीप्लिकेशन आंसर मिलो है प्लस जो तो इन में साफ जाहिर है तो जी अस टर्म खड़ी इनके ब्रेक कर मेल उन्होंने अस प्लस कराइंदी छो तो ब्रेक जैसे भी मिडिल टर्म के कहना तो उन जवाब असई अचान घुर्जन यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो अस जवाब अचे प्लस या माइनस करें तो वापस असें मिडिल टर्म अचे। हाँ यह खबर तीन में पी वी तो यो जो मिडिल टर्म कराइंदी जी अस टर्म मिलता उई पा में प्लस करना या उई पा में माइनस करना वो सो तबर पी वी जैसे असें आंसर प्लस में मिलो है तो असें खबर पड़ी वही तो हि बई टर्म जो भी निकलता उ पा में प्लस कर प्लस करने जो रूल है प्लस में जैसे बसाइयों एक जड़े होंगे तरह प्लस मान बई नंबर प्लस जहाँ हूँ तरह प्लस जहाँ बई नंबर माइनस जहाँ हूँ तरह प्लस जहाँ हाँ वो वो ऐसी मिडिल टर्म से मिडिल टर्म के साइन है माइनस नंबर करना प्लस करना माना जे नंबर खड़ी उई माइनस साइन जहाँ खड़ी। फॉर एग्जाम्पल ये असें माइनस जो मिले हाँ तो माना असा के नंबर खड़ना होजाना उ माइनस कराना होजाना तो माइनस तरह नंबर जैसे नंबर प्लस जो होंगे माइनस जो होंगे। हाँ फिलहाल ये एग्जाम्पल समझू पर माइनस जो एग्जाम्पल समझाई हाँ असा नंबर खड़ना प्लस जहाँ पर मल्टीप्लाई कराने अचे सिक्स अचे हाँ वह नंबर है टू एक है थ्री असें खबर पड़ी हाँ अस सेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ तुम चेक करो जैसे अस मल्टीप्लाई कराइंदी तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू थ्री सिक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि सिक्स एक्स स्क्वायर मिले तो वो जैसे इनके अस सम कराइंदी तो तुम तो बी साइन माइनस जो एक जो यानी कि बी प्लस माइनस साइन टू आई थ्री माइनस सा फाइव थी मिडिल टर्म ब्रेक अस सही है। हाँ जी मिडिल टर्म ब्रेक करने का चार टर्म मिला
बिन टर्मन में अलग सा कॉमन करना थी, बिन टर्मन में अलग सा कॉमन करना थी। इन्हें माने कर दो x बाकी बचो x माइनस टू, इन्हें माने कर दो माइनस थ्री। तो x तो साग ही रहो और ये माइनस अंदर जरूर मल्टीप्लाई थी, माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री टेबल सिक्स थे टू टाइम्स लगी इज इक्वल टू जीरो। हाँ या शे हमेशा पे जहन में लगाए छो तो मिडिल टर्म करने का जैसे कॉमन कड़ो ही जो ब्रेकेट ये हमेशा सेम ही नियो अचन तो किथे न किथे मिस्टेक कई आप हाँ ब्रेकेट सेम आई या ब्रेकेट सिंगल टाइम रखा बाकी जो नंबर बचा उ अलग बी ब्रेकेट में रखी इज इक्वल जीरो लगाइंदा ही जो फैक्टराइजेशन असर वैल्यू कड़ी है एक्स की यानी कि एक्स माइनस टू जो पे ब्रेकेट आने के अलग से जीरो के बराबर रखा एक्स माइनस थ्री के अलग से जीरो के बराबर रखा इन में असा एक्स की वैल्यू मिली टू तो माइनस जो हेड़ा पल प्लस जो तीन में असा एक्स की वैल्यू मिली थ्री तो सॉल्यूशन सेट जैसे असो वो ठहन एक्स इज इक्वल टू टू कामा थ्री एम सी क्यू के हिसाब से जैमें भी टू कामा थ्री हों असो राइट एंसर हों। डियर स्टूडेंट हाँ एक समूह लिखो है जैमें माइनस आर हाँ इनमें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो हाँ तुम समझो इनमें फर्स्ट लास्ट टर्म जैसे मल्टीप्लाई किया इन में आया माइनस में आया हाँ इतने असा अंदाजो लगे तो जैसे ही माइनस में मिलो माना मिडिल टर्म जैसे भी असा खड़ा वही टर्म पान में माइनस करना पवन माइनस करने ला जहर एक टर्म असा प्लस एक टर्म असा माइनस जो खड़ो पव हाँ उतने जो नंबर हों हर नंबर जैसे खड़ा वो एको नंढो हों तो वो नंबर कड़े साइन जो खड़ो इतने अक्सर स्टूडेंट भूल पाता तो असासी असा चेक कहसी मिडिल टर्म की साइन के जहाँ साइन मिडिल टर्म की होंगी वो टर्म अस उन साइन को खड़ा हाँ इन माइनस आ तो वो टर्म आए सिक्स नंढो टर्म आए वन चो तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन सिक्स सिक्स में वन वो बाकी फाइव बचो हाँ जैसे असा चार ही टर्म मिली ना तो चार ही टर्म में बिन में अलग से कॉमन इन बिन में अलग से कॉमन कटो इन में कॉमन निकलो एक्स बाकी इतने बचो एक्स माइनस सिक्स इन में कुछ भी निकले तो वन हमेशा वो नंबर है जो सभी के मल्टीप्लाई कर सके तो इन में वन कॉमन निकतो इतने बचो एक्स इतने सागो ही माइनस सिक्स बचो हाँ हि जो इक्वेशन थी इनमें एक्स माइनस सिक्स दसो एक जरा मिली नंबर हाँ एक्स माइनस सिक्स अस अलग से कटी आया बाकी इतने बचो एक्स इतने बचो वन वो अलग से ब्रेकेट में रखियो इज इक्वल जीरो हाँ मिली के अलग अलग जीरो नो एक्स माइनस सिक्स के जीरो के बराबर रखी उन्हें एक्स की वैल्यू निकती सिक्स एक्स प्लस वन के जीरो के बराबर निकली उन्हें एक्स की वैल्यू निकती माइनस वन सॉल्यूशन सेट कर दियो असा के जवाब मिलो सिक्स कामा माइनस वन। डियर स्टूडेंट अजो इन लेक्चर में तक समझाया तो मिडिल टर्म ब्रेक क्या थीजे उनको साइन क्या चेक कजन प्लस जा क्या था कजन माइनस जा क्या था कजन उम्मीद है तो तुम इन लेक्चर के बार बार ऐसी करें मिडिल टर्म ब्रेक हमेशा जो है समझी हों छो तो ये शे जैसे तुम सीख तो कड़ी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ जो फैक्टराइजेशन थी सकती उनके आसानी से तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सको उन आसानी से तुम जवाब कढ़ी सो गिर घुर्जे छो तो ये शे अगत टॉपिक में भी कम इंदी पर मिडिल टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारा टॉपिक्स हैं हि तो है फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाइड फॉर्मूलो के हिसाब से इक्वेशन के सॉल्व कर उनका असो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीखा फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नेचर ऑफ द रूट्स इन जे भी इक्वेशन जो टाइप्स उन सभी के सीखने की कोशिश कहसी कोशिश कजो तक समझाया तो किथे गाल समझ में नए बार बार वीडियो की कंप्लीट दिसो अ समझ में नए मूसा कॉन्टेक्ट कर सो उम्मीद है तुम मेहनत कौ असि मेहनत के भी रंग लाइन इंशाल्लाह कामयाब तीन वही मेहरबानी।